आज दिनांक 21 मार्च 2020 को स्थानीय योगी टावर में जिले के सैकड़ों शिक्षकों के बीच नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न तरीकों पर वृद्ध चर्चा हुई। इस गोष्ठी में जिले के नव उत्क्रमित एवं उत्क्रमित के साथ माध्यमिक एवं वित्तरहित शिक्षकों ने बड़े जोश खरोस के साथ भाग लिया एवं सभी ने समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की शपथ ली। सभा की अध्यक्षता डॉक्टर मनोज कुमार यादव, संचालन राजेश कुमार ने किया, जिसमें भूषण कुमार झा को प्रमुख वक्ता बनाया गया। सभा को संबोधित करने वाले प्रमुख वक्ता भूषण कुमार झा ने कहा कि देश में छाए इस संकट की घड़ी में हमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों का ईमानदारी के साथ पालन करना चाहिए। अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए एवं बुजुर्गों, बच्चों एवं स्वयं के साथ साथ घर के दरवाजे का विशेष सफाई पर ध्यान देना चाहिए। इस कार्यक्रम में आस पड़ोस के लोगों को भी अवगत कराना चाहिए, ताकि समाज में भी लोग इस संक्रमण से बचने का विशेष प्रयास कर सकें। जागरूकता अभियान में शिक्षकों के मास्क के साथ साथ सैनिटाइजर भी दी गई। जागरूकता अभियान को संबोधित करने वालों में प्रमुख रूप से भाग्य नारायण कुमार, राजेश कुमार, अमरेंद्र कुमार, ओम प्रकाश, विकास कुमार, जयेश कुमार, दीपक कुमार, संजय कुमार, साधना कुमारी, पिंकी कुमारी, शिल्पी सिन्हा, अर्चना कुमारी, हसन रजा, मनोज कुमार, कृष्ण मुरारी गुप्ता, अमित कुमार, संजीव झा, मोहम्मद इम्तियाज हक जी, कृष्ण कुमार झा, सुनील कुमार, सुबोध कुमार, रुपेश कुमार, प्रशांत कुमार, मुकेश सिन्हा, विजय कुमार, मोहम्मद अब्दुल्ला जमा, मनालिका, राजलक्ष्मी कुमारी, अन्नपूर्णा कुमारी, कुंदन कुमार, रामशंकर रंजन, नमिता सिन्हा आदि के अभियान के अंत में लालगंज जलालपुर बालिका प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय के शिक्षक स्वर्गीय अरविंद कुमार तिवारी की मृत्यु पर 2 मिनट का शोक प्रकट किया गया एवं सरकार से मृत शिक्षक के परिवार के अनुकंपा का लाभ देने की मांग की गई। जो सांस अंदर लीजिए, जितना छूटता है उतना है फैलता है, फैला करके रोके, एक मिनट, वन मिनट, सवा मिनट, आधा मिनट रोक ले रहा है कोरोना। मतलब ये है सफाई सुथरा, साफ सफाई तो ऐसे भी रखना चाहिए घर। होली दिवाली में हम लोग करते हैं, सब में करते हैं, उसको हमेशा बढ़िया रखना चाहिए। नाला, बाथरूम, टॉयलेट, ये सब हमेशा रखना चाहिए। बस्तर घर में इसका जो हमेशा इसका ध्यान रखें। कोरोना से ऐसे यही है, भ्रम नहीं पालिए, दिमाग में डर नहीं पालिए। हम समझते हैं डर के मारे बहुत सारे लोगों का मौत हो गया। सबसे पहले हॉस्पिटल के क्षेत्र से एक आदमी कूद गया, इसलिए कि अब हम मरने वाले हैं। सांप काटने से उसके विष से जितने आदमी नहीं मरते हैं, ऐसे लोग हाथ से करके मर जाते हैं। लेकिन लापरवाह भी नहीं होना है, परवाह भी नहीं होना है। शॉपिंग मॉल, स्टेशन, सिनेमा हॉल बंद करने का सरकार का उद्देश्य यही रहा होगा कि लोग बेवजह यहाँ नहीं निकले। तो सरकार भी चाहती है बेवजह बाहर नहीं निकली, चाहती घर से घर से रहती कोई ये नहीं। बहुत धन्यवाद लोग कभी आपसे टेलीफोन से मोबाइल से काम करते हैं। सबसे ज्यादा संक्रमण मोबाइल से होता है, तो हाथ को आप सैनिटाइज भले नहीं कर लीजिए, लेकिन एक रूई में सैनिटाइजर डालकर के मोबाइल में जरूर सैनिटाइज कीजिए। कहीं से रुपया आ रहा है या रुपया गिन रहे हैं या छू रहे हैं तो जरूर हाथ सैनिटाइज कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा संक्रमण रुपया में होता है। मछली वाले के यहाँ, मीट वाले के यहाँ, कहाँ कहाँ से गुजर के वो रुपया आपके पास आता है, आप नहीं जानते हैं कितना हजार लोगों से गुजर के आता है। ये दो चीज प्रमुख है, मोबाइल को और रुपया को छूने के बाद सबसे हाथ को सैनिटाइज करता हूँ जरूर। दूसरा, हम लोग इस हड़ताल के बारे में भी चर्चा करें। कोरोना का बहुत नाजायज फायदा भी लोग उठा रहा है। ये जो मास्क है, दिल्ली में नहीं आया, फेंका हुआ मास्क हॉस्पिटल के सामने से कचरा वाला चुनवा करके वॉशिंग मशीन में धो करके सुखा करके लोग बेच रहे हैं, नकली सैनिटाइजर बेचा जा रहा है, कोरोना का नाजायज फायदा उठा रहा है। यहाँ तक कि सरकारें कोरोना की नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दी है। कोरोना का चर्चा कब हुआ शिक्षक की आवाज नहीं सुनना चाह रहे हैं, इनका डिमांड पूरा नहीं करना चाह रहे हैं। जैसे सैनिटाइजर वाला नाजायज फायदा उठा रहा है, जैसे ये मास्क वाला नाजायज फायदा उठा रहा है, बेच रहा है, वैसे नीतीश जी भी इसका फायदा उठाए हैं कोरोना के नाम पर। उनको सुन लेना चाहिए था, जो हमारा शिक्षक अभी हड़ताल पर नहीं बैठता समूह, तो हड़ताल पर बैठे हुए शिक्षकों का उनको इतना चिंता, इनको कोरोना वायरस हो सकता है।
का समूह बंद कर दिए सेंटर पर अगर बंद करा दिए रहते तो हम समझते कोई ईमानदार सेंटर पर एक क्लासरूम में 40 आदमी 30 आदमी 20 आदमी कोविड हो जाते रहे उसके लिए उनको कोई चिंता नहीं हुआ उसके लिए उनको डर नहीं तो नीतीश जी समझते हैं हमें अकेले को दीवान है बाकी सारा लोग तो ये शिक्षक लोग ही उनको पैदा किए हुए शिक्षक से पढ़ के ही आज मुख्यमंत्री बने शिक्षक का नमक खा करके ही पढ़े उनकी पत्नी भी शिक्षक थी उन्हीं का पैसा कमाई खा करके उनके पॉकेट खर्चा से नेतागिरी किए हैं और शिक्षक के प्रति बेमानी कर ये नीतीश जी को सोचना चाहिए जो ये जो शिक्षक पढ़ गया हमारा ये जब हम घोष संभालते हैं तो 3 साल से लेकर जब तक हम अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेते हैं कमाने खाने लायक अटल बोझे डिग्री नहीं हो जाता है तब तक शिक्षक ही हमको ज्ञान देते हैं और आज की जो जिम्मेवारी है भले आप हड़ताल में भले आपकी सैलरी नहीं भले आप बिना पैसा कमर में है लेकिन आपकी जिम्मेवारी कोरोना वायरस से बचाने की भी समाज की है क्योंकि आप सबसे जिम्मेवार हो सबसे ज्यादा ईमानदारी की रोटी खाने वाले शिक्षक होते हैं 1 रुपया घूस आमदनी का हिस्सा बाकी आप चुनाव पंचायत में देखते हो ये वार्ड मेंबर जीतता है तो वो मोटरसाइकिल या बुलेट खरीद लेता है उसे मुखिया जीतता है तो 1 महीना में स्कॉर्पियो जरूर जाता है बिना स्कॉर्पियो मुखिया नहीं होता जिला परिषद जीतता है तो स्कॉर्पियो पर्सनल विधायक जीते तो पर्सनल स्कॉर्पियो गाड़ी और 3 स्टेट में मकान हो जाता है MP का हो जाता है जो जो इतना जनप्रतिनिधि वार्ड मेंबर से लेकर के MP तक का जो मैंने गिनाया ये सब आपके स्कूल से फेल होकर के निकले हुए होते पास होकर नहीं निकले हुए तो जो आपके विद्यालय में पास नहीं हुआ वो आपसे ज्यादा समृद्ध हो जाता है उसका प्रमुख कारण है जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जगह कहीं है तो वो लोकतंत्र लोकतंत्र भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण मेरा तो मानना है ये लोकतंत्र ही खत्म करना है राजतंत्र हो जाए एक राजा रहेगा कितना घुस खाएगा कितना लुटेगा कितना फसलेगा हम जाते हैं दुबई देखे हैं वहाँ राजतंत्र है जाकर के देख लिए एक भी गलत बात नहीं मिले हम वहाँ कोई धरना आंदोलन करने वाला लोग नहीं है इतना सफिशियंट पैसा मिलता है धरना आंदोलन करने के लिए जरूरत नहीं बगल के पड़ोसी देश नेपाल में देख लीजिए आप जाते रहे होइएगा जब तक राजतंत्र था हरा भरा देश में और जब से राजतंत्र खत्म हुआ है लोकतंत्र क्या है जाकर के देख लीजिए नेपाल की क्या स्थिति सारा नेता लोग लूट करके खा गए तो जितना करप्शन इन लोगों में है उसके वजह से आप यहाँ धरना प्रदर्शन आंदोलन कर एक क्लर्क की नौकरी होती है किसी विभाग में उसका आय शुरू हो जाता है कहीं से प्रत्येक दिन आप ही के विभाग से उदाहरण के रूप में फोन कर देते हैं आपका विभाग है DO CPO DDC वहाँ का जो क्लर्क काम करने वाला होगा जितनी आपकी सैलरी है उतना हो सकता है सप्ताह में हमारे उसका घर जा करके देख लीजिए उसके बच्चे को जा करके देख लीजिए बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहे आपसे कम पढ़ाने का हुआ आदमी है कलर तो वहाँ भ्रष्टाचार तो जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार वहाँ वहाँ शोषण भ्रष्टाचार की वजह से बिना शोषण को भ्रष्टाचार नहीं होता हम सबका एक बार ज्यादा पैसा कैसे कमाएंगे थोड़ा थोड़ा सबका खून चूसेंगे तब ना मोटर लेंगे तो यही यही लोकतंत्र में तो आज के डेट में विधायक से लेकर के MLC लेकर के मुख्यमंत्री तक अखंड भ्रष्टाचार आप यहाँ हड़ताल से बचे हुए हैं अभी मनोज जी ने कहानी कहा ये जो धरना प्रदर्शन आंदोलन है ये आपकी ड्यूटी नहीं इसके लिए आप नहीं इसके लिए तो आपने एक प्रतिनिधि को चुना हुआ इसके लिए आपने एक प्रतिनिधि को चुना हुआ जिसको 3,000 रुपये महीना मिलता आपके वोट से आपका सैलरी 25,000 है अब उनको 3,000 रुपये मिलता है आपके वोट से क्यों मिला इसीलिए मिला कि शिक्षक के समस्याओं का निराकरण वो करें आज अगर निराकरण कर दिए जाते तो विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों में विभिन्न जिला मुख्यालयों में शिक्षा का धरना नहीं करते इसका नमक वो खाते हैं 3 लाख महीना उसके लिए वो लड़ाई लड़ के रहते पहले ही सैलरी दिलवा दिए रहते तो आंदोलन क्यों होगा धरना क्यों होगा प्रदर्शन क्यों होगा तो ये भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है जिसके वजह से आप वोट देकर के प्रतिनिधि भी चुने हुए हैं और उसके ड्यूटी के बदला आप अपना ड्यूटी कर रहे हैं उसके जगह जो धरना प्रदर्शन आंदोलन उनको करना चाहिए 12 एजेंसियां भी आप आपके द्वारा चुने हुए मालूम है 12 एजेंसी आपके वोट से चुने हुए हैं जान लीजिए वोट है 6 तो शिक्षक निर्वाचन से है पहले आज हुआ करते थे अब विभाजित बिहार में जब से विभाजन हुआ 2 झारखंड में लगा तो 6 MLC शिक्षक से बिहार में है और 6 MLC ग्रेजुएट से बिहार में तो जो ग्रेजुएट वाले MLC है
मुदारते में नहीं रहे कि ग्रेजुएट मोटर से ही, उसमें 9,000 वोटर के रूप में हमारे शिक्षक का भी पड़ता है और 12,000 वोटर जीत में पड़ता है, तो 3,000 ही गैर शिक्षक का वोट उनको मिला ना। तो ये वो उनको नहीं सोचना चाहिए कि हम स्नातक के लिए जिम्मेवार है, वो शिक्षक के लिए भी जिम्मेवार है जो 9,000 शिक्षक उनको वोट दे करके। तो 12 MLC अगर विधान परिषद में दरी बिछा दे, जैसे आप लोग धरना कर रहे हैं वैसे वो धरना कर दे 12 एक साथ और अपने प्रभाव से और 2,000 आदमी को उठा सकते हैं, तो क्या लगता है सरकार नहीं मानेगी? नहीं सुने 12 MLC अगर बैठ जाए विधान परिषद में आमरण अनशन पर दरी बिछा करके कि भाई हम उनके वोट से जीत करके आते हैं और उनके वजह से हमको 3,00,000 रुपया पटना में घर मिलता है, 2 करोड़ सालाना उनके वजह से कमीशन मिलता है हमको, तो सरकार नहीं मानेगी। सरकार देख रही है जो शिक्षक के प्रतिनिधि है वही हमारे पॉकेट में है, वही हमारे जेब में, जैसे चाहते हैं वैसे करवा लेते हैं, जहाँ सिग्नेचर चाहते हैं वहाँ करवा लेते हैं, विधानसभा में जो प्रस्ताव आता है पारित करवा लेते हैं, तो आती क्यों सुने? जब आपका गार्जियन ही हमारे हमसे मैनेज होगा आपके घर का, तो आप मेरा क्या भी गार्जियन है, हम आपके गार्जियन को ही मैनेज किए हुए हैं, आपके प्रतिनिधि नीतीश कुमार से जब मैनेज है तो आपने क्यों सुनेगा? विधान परिषद में रहते हुए 2006 में पहली बहाली हुई है, नियोजित शिक्षक का जन्म 2006 में हुआ, मालूम है तुम लोगों को? 2006 में हमारे माननीय अभिभावक नरेंद्र बाबू एमएलसी थे और हाउस में थे, जिस समय ये बिल आया होगा उस समय हाउस में वो थे, वो तो उठ करके बैठ जाना चाहिए था बिल में, हम नहीं मानते नियोजित नहीं चलेगा, जैसे नियमित है वैसे ही बहाल की, सरकार की मजबूरी थी जितना सीटें बहाल करना था, बिना शिक्षक के स्कूल नहीं चल सकता, अगर नियोजित नहीं आता तो नियमित करना ही करना था, तो जन्म तो उन्हीं के समक्ष हुआ, उनके प्रतिनिधि के सामने हुआ, इनके सामने हुआ जिनको हमारे वोट से 3,00,000 महीना मिलता है, उनके सामने ही गलत मेरा जन्म हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, उनको हारना चाहिए था, जब आप नियमित बनाइए नियोजित नहीं चले विरोध उन्होंने नहीं। दूसरा 14 साल हो गया नियोजित शिक्षकों को आए हुए, अभी कुछ साथी लोग बोल रहे हैं कि हाउस में बहुत गर्म होते हैं, एकदम बुलंदी से आवाज उठाते हैं, बड़ी मुस्तैदी से हाउस में बोल रहे हैं, तो मित्रों 14 साल हो गए नियोजित शिक्षकों को आए हुए, इतना ही बुलंदी है आवाज में, इतना ही आक्रामक है, तो 14 साल में नियम क्यों नहीं करना? हमारे मॉल में नीचे हम बुलवा देते हैं 10 लड़का को, खुशी और कैसी है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।